राजस्थान सरकार के उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा भीलवाड़ा पहुंचे, जहां कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया और इस दौरान उन्होंने सच बेधड़क संवाददाता जयेश पारिक से विशेष बातचीत की। डिप्टी सीएम ने कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा द्वारा की गई पत्रकार वार्ता का भी जवाब दिया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी अपने कारनामों को छुपा रही है, भारतीय जनता पार्टी साफ सुथरा काम करना चाहती है। कांग्रेस पार्टी झूठ बोलकर सत्ता में बनी हुई थी। एक किसान परिवार का बेटा जो खुद ना सिर्फ जनता का सेवक बनकर आम जन के बीच उतर रहा है, बल्कि कर्मचारियों और अधिकारियों को भी लगातार सख्त तरीके से काम करने की हिदायत दे रहा है। हमारे साथ मौजूद है राजस्थान सरकार के उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा, जो भीलवाड़ा पहुंचे हैं। सर, क्या कार्यक्रम था और कैसा आज MG हॉस्पिटल का दौरा भी किया आपने? मेरा सापुरा में एक सामाजिक दौरा था, सामाजिक सम्मान समारोह का कार्यक्रम था और वहाँ से फिर मेरे परिवार के लोगों के भी कार्यक्रम था यहाँ पे भीलवाड़ा में। और मैं देखता हुआ हर जगह मेरे संगठन के कार्यकर्ताओं से भी मिलने का मैंने मानस बनाया। निश्चित रूप से संगठन के लोगों से मिलकर मुझे बड़ी खुशी हुई और इनका प्यार और प्रेम आपस में हम बांट के और एक दूसरे को बधाई देने का मुझे मौका मिला है। अच्छा सर, राजस्थान में जो है शुरू से ही सरकार चौंकाने वाले जो फैसले सुनाती आ रही है, लोकसभा चुनाव को देखकर क्या लगता है सर आगे? लोकसभा चुनाव जनता राजस्थान की पूरी तरह प्रिपेयर है, 25 की 25 सीटें भारतीय जनता पार्टी की आई। लगातार अत्याचारी सरकार बना के जो है भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई थी, अब आगे अत्याचार को रोकने के लिए क्या विशेष ठोस कदम उठाए जा रहे हैं? अत्याचार आपने देखा होगा, जितने 5 साल में इन्होंने हर काम में झूठ बोल के ये सरकार राजस्थान में आई थी। किसानों से झूठ बोली, युवा बेरोजगारों से झूठ बोली और फिर उनके साथ हुआ क्या? न तो किसानों को कर्जा माफ हुआ, न बेरोजगारों को भत्ता दिया, बाकी उनको बेरोजगार और बना गया पेपर लीक कर करके। और महिला अत्याचार में सबसे राजस्थान नंबर 1, दलित अत्याचार में नंबर 1। और अब जब पेपर हुए हैं, अभी 2-3 परीक्षा हो चुकी है, अभी पेपर लीक का नाम नहीं है, तो आप इसी से संदेश आपको सीधा सीधा महसूस हो रहा है कि ये सरकार ऐसे करने वाले नहीं है। जितने उन्होंने कारनामे किए उन पे सबके रोक लग जाएगी। अच्छा, पेपर लीक की सर ईडी की कार्रवाई की बात करें तो हाल ही में जो कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष है उन्होंने कॉन्फ्रेंस की, जिसके अंदर उन्होंने साफ तौर पर कहा जो भाजपा सरकार जो है वो अपने वादों को भूलकर और ईडी के पीछे लगा रही है। हमारे को ईडी के पीछे क्यों, उनके कारनामों को छुपा रही है और हम तो साफ और सुथरा काम करना चाहते हैं, इसमें क्या? और सर एक अंतिम सवाल है कि भीलवाड़ा में जो लगातार फायरिंग हो रही है, फायरिंग की घटना देखी जा रही है, उसको निश्चित रूप से उन पे कार्रवाई होगी। जो भी मैंने भी यहाँ आया तो मैंने सुना IG लेवल के अधिकारी लग रहे हैं और सारे अधिकारी मिलके इसका तो सख्त कानून व्यवस्था बनाने के लिए भी जो है उप मुख्यमंत्री द्वारा लगातार जो है अधिकारियों को भी हिदायत दी जा रही है। भीलवाड़ा से सच बेधड़क के लिए जयेश पारिक।